हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है, हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। मणिपुर हिंसा के दौरान दो आदिवासी महिलाओं से दुष्कर्म और नग्न कर वीडियो बनाने की घटना से पूरे देश में उबाल है। इस घटना से राजनीतिक सरगर्मियां अपने उफान पर है। एक तरफ पीएम मोदी ने इस घटना के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने इस शर्मनाक घटना के लिए भाजपा की वोट की राजनीति और आरएसएस की नफरत को इसका जिम्मेदार बताया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर की हालत के लिए आरएसएस की नफरत की नीति और भाजपा की वोट की राजनीति जिम्मेदार है। बहन बेटियों के परिवार वाले अब तो भाजपा की ओर देखने तक से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। अखिलेश यादव ने इससे पहले एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मणिपुर में सभ्यता का चीरहरण हुआ है और संस्कृति का पाताल पतन। यूपी में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सहयोगी और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी मणिपुर की घटना को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। जयंत ने कहा कि मणिपुर का वीडियो भयावह और बेरोक टोक सांप्रदायिक हिंसा से संकेत मिलता है कि इंटरनेट शटडाउन का आदेश जमीनी स्तर पर स्थिति को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के बजाय विफलताओं से उत्पन्न राजनीतिक नतीजों को प्रतिबंधित करने के लिए दिया गया था। तो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि मणिपुर में अनवरत जारी हिंसा व तनाव से पूरा देश चिंतित है तथा महिला के साथ अभद्रता की ताजा घटना खासकर भाजपा व उनकी सरकार को शर्मसार करने वाली है। वैसे तो राज्य में कानून व्यवस्था काफी पहले से चरमराई हुई है, किंतु क्या बीजेपी अभी भी ऐसे मुख्यमंत्री को संरक्षण देती रहेगी? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा हृदय आज पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले कितने हैं और कौन है, ये अपनी जगह है। उन्होंने कहा कि ये बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा है। इस घटना में शामिल किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि मणिपुर में बीते कई महीनों से नस्लीय हिंसा जारी है। ये वीडियो 4 मई की बताई जा रही है, जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र कर पुरुषों की भीड़ उनको लेकर जाती दिखाई दे रही है। इस भीड़ में उनको ले जा रहे कई शख्स उनके निजी अंगों को छू रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक दलों से लेकर आम आदमी का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग अब मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।